नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ भाई, दुबई का तो एक एग्जांपल है, बाकी ये जो मैं बातें बताऊंगा हर देश पे लागू होता है, खास तौर से गल्फ देशों की बात करें, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत वगैरह में। जी हाँ, वेतन से संबंधित या कोई भी काम से प्रॉब्लम, अगर कंपनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर लोगों की वेतन से प्रॉब्लम होती है। रहना खाना इंसान एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि पैसा मिलने के चक्कर में थोड़ा लालच होता है कि चलो सैलरी टाइम से मिल जाए, पैसा टाइम पे से मिल जाए, तो आदमी ऊपर नीचे होती है वो बातें सब सेटल कर लेता है। लेकिन अगर जहाँ पे काम कर रहा है पैसा ही नहीं मिले यहाँ से इतनी दूर जाने के बावजूद, तो बंदे को फिर परेशानी हो सकती है। जी हाँ, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि अगर आपको वेतन समय पे नहीं मिल रहा है या कंपनी के साथ आपका कोई डिस्प्यूट है, कंपनी समय पे तनख्वाह नहीं दे रही है, कंपनी ने आपकी सैलरी काट ली, अंतर सेवा बोनस वगैरह, कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप इसकी शिकायत कैसे करें, इसका समाधान कैसे आप कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हम डिटेल से जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अगर आपको सैलरी से रिलेटेड पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रकार की कोई समस्या अगर कंपनी से रिलेटेड है, तो देखिए भाई, दुबई का जो लेबर लॉ 1980, उसमें आपके लिए कुछ कानूनी प्रावधान किए गए हैं। जी हाँ, उसमें आपके लिए मोहरे से एक अलग से प्रावधान किया गया है कि जिसमें बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जी हाँ, इसमें मोहरे में भी आप शिकायत कर सकते हैं। आप शिकायत आप किस तरह से करेंगे वो मैं बता दूं। एक तो कॉन्टेक्ट नंबर होता है, हॉटलाइन नंबर होता है 8006 पे भी आप कॉल करके अपने प्रॉब्लम के बारे में, अपनी शिकायत लिखित में आप दे सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि मोहरे का एक प्ले स्टोर पर जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मोहरे के नाम से प्ले स्टोर पर जाओगे, हर मोबाइल में मिल जाता है, तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल आपको दी हुई होती है, उसके हिसाब से आप समाधान करवा सकते हैं। थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो मोहरे की वेबसाइट है, सरकार की तरफ से जारी की गई है, www.mohre.gov.au। जी हाँ, इस पे भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन इस पे आपको अकाउंट बनवाना पड़ेगा, अपने मोबाइल में अकाउंट बनाना पड़ेगा इस पे अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए, और फिर आपके अपने पासपोर्ट की डिटेल पूरी उसमें डालनी पड़ेगी, और वर्क परमिट का नंबर होता है, इमिग्रेट्स आईडी वगैरह, वो नंबर पूरा इसमें डालना पड़ेगा। जी हाँ, ये अगर आप कर लेते हो तो 100% आपके पास 72 घंटे में, यानी 4 से 5 दिन के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगा लीगल एडवाइजर यानी कानूनी सलाहकार का। वो आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपका मैटर क्या है, उनके बाद में वो कंपनी से कॉन्टेक्ट करेंगे जो आपने एड्रेस वगैरह में डाला है। जी हाँ, दोनों का पहले तो तीसरा जो बंदा होता है, लीगल एडवाइज़र बोल सकते हैं, कानूनी सलाहकार, वो आपका शांतिपूर्वक आराम से आपका जो भी डिस्प्यूट है उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी मान लीजिए समाधान नहीं हो पाता है, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप अपने जो लीगल एक्शन है वो मोहरे में ले सकते हैं। जी हाँ, ये जो प्रोसेस है बता दूँ, 1 लाख दुबई दिराम तक, 1 लाख दिराम तक आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जी हाँ, और अगर 1 लाख दिराम से ऊपर का कोई मैटर है तो उसका 5% आपको फीस के तौर पे एडवांस जमा करवाना पड़ेगा। जी हाँ, और अधिकतम 20,000 दुबई दिराम